ASN24 पल पल की खबर। कोरबा जिले के रजकामार इलाके में एक पुजारी को बदनाम करने की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बस स्टैंड में सैलून का संचालन करने वाले व्यक्ति मनोज श्रीवास द्वारा यह कृत्य किया गया है। ऐसा करने के पीछे मनोज की क्या मंशा है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। मजे की बात तो यह है कि पुजारी का नाम भी मनोज तिवारी है। इस मामले को लेकर जब हम मनोज श्रीवास के घर पहुंचे तब वे घर से बाहर नहीं निकलने में ही अपनी भलाई समझी। सर बताएं कि जो वायरल हुआ फोटो आपके नाम से, क्या लगता है उसको कोई दुश्मनी से या फिर किसी को भ्रमक करके वो फैलाया जा रहा है? देखिए, मेरे तो ना किसी से दुश्मनी है, मैं तो सबसे मिलजुल कर रहता हूँ, एक मित्रवत प्रेम व्यवहार सबसे रहता हूँ। रजगामारे मेरे एक परिवार घर है, मैं हर व्यक्ति को अपना परिवार मानता हूँ। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता, मुझे विगत 2 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आ रहा था, फेसबुक पे आ रहा था कि किसी व्यक्ति ने मेरे नाम से, मनोज महाराज नाम से हेयर कटिंग सैलून खोल के रखा है। मैं कार्यक्रम में बाहर था, मेरा अनुष्ठान चल रहा है अभी गेवरा में, दीपका गेवरा में, तो मैं सोचा कोई मुझसे मजाक कर रहा है। लेकिन जब ये मैसेज एक बार नहीं 10 बार मेरे पास आने लगा तो ये मुझे बड़ा तकलीफदायक हुआ। मेरे नाम पे जो मैंने रजगामार में बचपन से जो मैंने छवि बना करके, छवि को धूमिल करने हेतु, भाई इस प्रकार छवि को क्यों धूमिल करना है मेरा? भाई मेरे कौन से उनसे दुश्मनी है? भाई अपने नाम से आप हेयर कटिंग सैलून खोलिए, आप मनोज महाराज हेयर कटिंग सैलून खोल कर रखे हैं, ये तो किसी के नाम को धूमिल करना है छवि पे। अभी आप देखे हैं वहाँ जाकर तो अभी वो नाम दिख रहे हैं? अभी मैं देखा हूँ तो उसमें कोई डांटे होंगे, कोई यजमान परिवार जाके बोला होगा, तो मनोज तो लिखा है लेकिन महाराज को हल्का सा पोत कर रख दिया है वो। और ऐसा सुनने में आया है कि सब कोई मुझे मनोज महाराज के नाम से जानेंगे बोल के इस प्रकार से नाम किया गया है। सैलून है उससे मैं उस सैलून वाले से जो पेंटर लिखा है उसके नाम से मैं मानहानि का दावा जरूर करूंगा, क्योंकि जो मेरे को मालूम नहीं क्योंकि उन्होंने बताया कि पेंटर लिखा है बोल के, तो मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं SP सर से मिलूंगा अभी बहुत जल्द, क्योंकि मेरी छवि हर जगह मेरे को सब कोई फ़ोन करके बोल रहे हैं गुरुजी ये सब क्या है क्या बोल के, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं उस पर्सन से मैं चाहूँगा कि पर्सन मुझसे आके मिले, ऐसा क्यों लिखा है वो और किससे लिखवाया मैं नहीं जानता। मैं भाई उसको बोलूँगा तो लिखने वाले जाने बोल रहे हैं, और लिखने वाले को बोलूँगा तो बोले लिखवाने वाले जाने बोल, तो मैं किसको पकड़ी? इससे मैं दोनों के नाम पर करूँगा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार करें और ऐसा क्यों किया कि वीडियो वायरल करें, क्योंकि ये वीडियो वायरल बहुत जगह हो रहा है। जितने भी शिष्य परिवार, यजमान परिवार जो देख रहे हैं मेरे फेसबुक लाइव पे और मेरे व्हाट्सअप लाइव पे, सभी मेरे को बोल रहे हैं और सबके सब मेरे साथ SP ऑफिस जाने को तैयार हैं, सब जाने जाएंगे बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं बोल के। तो मैं अपनी गलती को व्यक्ति माने, जो भी लिखा है जो भी किया है मैं नहीं जानता, क्योंकि उसको बोलता हूँ तो लिखने वाला किया बोलते हैं, लिखने वाले बोलो तो वो किया है, और आदमी मुझसे मिलना नहीं चाहता, कुछ दुकान को बंद करके रखा है, मैं उससे मिलने आया था भाई, ऐसा क्यों किया बोल के। मैं किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूँ, मैं क्यों लड़ाई झगड़ा करूँगा? मैं तो धर्म का प्रवक्ता हूँ, सबको मिलजुल कर रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे नाम के इस पर धूमिल क्यों किया जा रहा है? तो इस पर सख्त कार्रवाई हो, या तो ये रजगामार के 2 आदरणीय बड़े जो सम्मानीय लोग हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि उन लोगों को सबको पता चल गया है, वो सब मेरे को फ़ोन करके बोले तब मैं यहाँ आया हूँ, वो सब जो निर्णय लेंगे उस निर्णय पर मैं अमल करूँगा, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और भविष्य में मैं हर व्यक्ति से बोलना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के नाम को धूमिल ना करें, आप अपने नाम से कुछ भी खोलिए, अपने व्यापार चलाइए। मैं किसी के व्यापार पे, किसी के पेट पे मैं कोई अंकुश लगाना नहीं चाहता हूँ, अपना जीवन अपन अच्छे से करें, लेकिन किसी के नाम को धूमिल ना करें, क्योंकि सारे व्यक्ति जानते हैं कि मनोज महाराज कौन है। अब मेरे नाम से हेयर कटिंग सैलून खोले, कल के दिन में कोई पोल्ट्री फार्म खोल देगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये सारे यजमान परिवार, रजगामार के मेरे आदरणीय जितने भी यजमान परिवार हैं, सबने मुझे कई बार फ़ोन करके बोला, मैं कल से मानसिक प्रताड़ित हूँ कि ऐसा कौन कर रहा है बोल के। मैंने उनसे बोला तो कई यजमान आके डांटे हैं, तो उन्होंने महाराज को तो मिटा दिया है, लेकिन मनोज है, मनोज से मुझे कोई लेने नहीं, मनोज बहुत नाम हो सकते हैं, लेकिन मनोज महाराज हेयर कटिंग सैलून खोलना ये उचित नहीं है। बस इतना ही कहूँगा भैया, आप जो भी हो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी छवि पर आप अंकुश न लगाएँ। भाई आप भी मेरे व्यक्ति हो सकते हैं, कौन खोला ये भी मुझे नहीं मालूम, कम से कम मुझसे आकर तो मिले, आज दुकान बंद करके हो कहाँ गया पता नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ कोई बता नहीं रहा कौन है। और जिससे पूछा हूँ उसे परिवार वाले से बोलते हैं कि पेंटर लिखा है, तो पेंटर को भी मैं कैसे बोल सकता हूँ? भाई आप लिखवाए तो पेंटर लिखेगा, तो दोनों को, दोनों व्यक्ति जो भी है जैसा भी है, सार्वजनिक तौर पर आप सब बड़ों के सामने इस धूमिल को मिटाइए आप और स्वीकार करिए, वरना मैं आज तक का समय दे के आया हूँ,
मैं सीधा एसपी ऑफिस पर रिटर्न मानहानि दावा करूंगा, क्योंकि दो दिन से मानसिक प्रताड़ित हूं मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। जय जय श्री राधे। आकाश जी, आपके ऊपर में आरोप लग रहा है कि आपके द्वारा किसी सैलून दुकान को महाराज के नाम से आप पेंट किए थे, इस विषय में आपका क्या? जी सर, देखिए सर, मैं तो एक मजदूर हूँ, मैं काम करने वाला हूँ। आप अपने दुकान में बुलाएंगे, आपका नाम सुरेश है कि मनोज है मेरे को मालूम नहीं, आप बोलोगे कि जो भी बोलो, क्योंकि मनोज जैसे उदाहरण है मनोज किराना स्टोर है, आप बोलोगे मनोज किराना स्टोर लिख दीजिए, तो मैं तो नौकर हूँ, मैं तो मजदूर हूँ, पेंटर, मैं लिखूंगा मनोज किराना स्टोर। अच्छा, आपको पहले मालूम नहीं था कि वो वास्तव में मनोज नाम से किस? नहीं, उनका नाम तो मनोज है। तो क्या बोला गया था उनके? वो मेरे को बोला कि मनोज महाराज मोरा घर में बोलते, मोर माँ हाँ बोला मनोज महाराज बोलते, तब मनोज महाराज, तो मैं बोला यार तुम लोग को ठाकुर हो मनोज श्रीवास, तो बोले नहीं मोला घर में मनोज महाराज बोलते मोर मम्मी है, तो मनोज महाराज। गलती किसका लग रहा है आपको? सर, अब उसकी मम्मी जब बोल रही कि उसका, वो खुद बोल रहा है कि मेरे घर में मनोज महाराज बोलते हैं, तो मैं मनोज महाराज हेयर कट जो बोला मैं लिखा, मैं अपनी तरफ से एडवांस क्यों लिखूंगा, मेरे को जो पैसा मिल रहा है मैं लिख रहा हूँ सर। उसे वायरल होने के बाद में फिर वो जो महाराज वर्ड था उसको कौन मिटाया? उसको वो खुद मिटाया। वो कौन मिटाया? वो ठाकुर, ठाकुर क्या बोलते हैं उसको, नाम है मनोज जो जिनके नाम से दुकान है, उसको मैं पेंट दिया, वो खुद में, मैं उसको मना भी किया कि यहाँ मनोज महाराज, वो तो वो माना नहीं मेरी बात को, वो जबरदस्ती कर रहा था। फिर मैं उसको समझाया, यहाँ पर कई और व्यक्ति थे, चाचा आदाड़ी लोग थे बड़े बड़े। कहाँ गए वो? अभी घर तरफ गए हैं वो, और मैं बोला उसको मिटा दो मिटा दो, लेकिन बोलता नहीं, बोला मनोज महाराज बोलते, तो मैं बोला मनोज महाराज तो सर मैं कहे कोई सरनेम नहीं है, कोई नहीं है, तो श्रीवास लिखाना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे को घर में मोर मम्मी मनोज महाराज बोलते हैं, तो मनोज महाराज लिखो। तो ये अब महाराज इसका कोड वर्ड है कि क्या है मैं नहीं जानता, उसके दुकान में मैं लिखने के लिए बोले, मैं नौकर हूँ, मैं पेंटिंग किया, लिखा, मेरे को 100 रुपये दिए, मैं लेके आ गया। उसके बाद फिर बोला कि मिटाने के लिए कोई यहाँ आपत्ति किए, मेरे से सफ़ेद पेंट मांगे, वो अपना मिटाए, क्या किए मैं नहीं जानता। अब मेरे को 100 रुपये दिए लिखने का, मैं लिखा सामने प्रत्यक्ष रूप से, और कोई चोरी लुका तो कहना किया नहीं मैं। KSN 24 न्यूज़ के लिए मनोज दिनकर के साथ अंकित जांगड़े की रिपोर्ट।